आसाराम बेशक जेल में बंद है, लेकिन उसकी महानता की कहानियां राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। जोधपुर में आसाराम की तस्वीरों वाली पुस्तकें स्कूलों में पढ़ाए जाने की खबर पर सरकार हरकत में आ गई है। स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जिस जोधपुर की सेंट्रल जेल में आसाराम यौन उत्पीड़न के आरोपों का अंजाम भुगत रहे हैं, उसी जोधपुर में जैसे ही स्कूली किताबों में देश के महापुरुषों के साथ आसाराम की तस्वीरें सामने आईं, तो हंगामा खड़ा हो गया। जिला प्रशासन ने फौरन स्कूलों को नोटिस थमा दिया। सोमवार को जब कार्यालय खुलेगा तो इस संबंध में जनरल लेटर निकाल दिया जाएगा सभी विद्यालयों के लिए, और इस पर जो भी तुरंत कार्रवाई की जाए। जो आदमी पिछले 2 सालों से जेल में बंद है और जिस पर एक बालिका से दुराचार का आरोप लगा हुआ है, उसे ही संत बता करके स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, तो वास्तव में जो यहाँ अपने प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर सवाल खड़े करता है। मामले में एनसीईआरटी का पेज भी जुड़ गया, क्योंकि बताया गया कि पुस्तकें एनसीईआरटी के पैटर्न पर छापी गई, लिहाजा सियासत दिल्ली तक होने लगी। यौन उत्पीड़न के केस में आसाराम को जेल गए 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने को आया। गुनाह की गंभीरता की वजह से अदालत ने अब तक जमानत तक मंजूर नहीं की। ऐसे में स्कूली किताबों में आसाराम का चेहरा छपेगा तो किसे मंजूर होगा? सवाल वसुंधरा सरकार के सामने है तो केंद्र के सामने भी। नवीन दत्त, जोधपुर आज तक।